नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। देश का चुनाव अभी 8-10 महीने बचे हैं लोकसभा चुनाव में, लेकिन राजनीति रोज गर्म हो रही है। हर दिन कोई नया मुद्दा आता है, पॉलिटिकल तापमान बढ़ जाता है। हर व्यक्ति के जहन में एक ही सवाल कि क्या होगा 2024 में। जिस व्यक्ति से बात करो वो ये सवाल जरूर पूछता है। ये सब जान गए हैं कि 2014 और 2019 जैसा माहौल अब नहीं है देश में। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जादू था, जो जादुई चेहरा था, जो लोग उनको भगवान विष्णु का अवतार कहते थे, उन सबके सपने टूट गए हैं। सपने इसलिए टूटे हैं क्योंकि अपने ऊपर आके टिक गई है, अपनी परेशानियां जिंदगी में बढ़ गई हैं। लोगों को समझ आ रहा है कि ख्याली बातें करना, हिंदू मुसलमान के फसाद पैदा करना और खुद की परेशानियों से जूझना अलग अलग बात है। गोदी मीडिया के चैनलों पे तीसरी अर्थव्यवस्था और दुनिया में क्रांति करने वाली बातें हो जाती हैं, पर गांव देहात में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जीना कितना मुश्किल है। महंगाई ने तबाह कर दिया है देश के 80 करोड़ लोगों को। दो वक्त का राशन दिया जा रहा, वरना देश में घिरा युद्ध हो जाए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि राजनीति किस दिशा में जा रही है। मैंने सोचा आज मैं आपकी बात देश के उस शानदार पत्रकार से कराऊं जिसको आप तमाम टीवी चैनलों में देखते रहते हैं, तमाम बड़ी बड़ी बहस के मुद्दों में आप सुनते रहते हैं। देश के उन चंद पत्रकारों में से हैं जो देश की राजनीति को हथेली की तरह जानते हैं, एक एक राजनेता को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, देश की राजनीति का तापमान जानने में बहुत आगे रहते हैं। तो अमर उजाला के सलाहकार समूह संपादक हैं, बहुत उत्तर प्रदेश की राजनीति को खास तौर से बहुत जानते हैं। आज के इस इंटरव्यू में वो देश की राजनीति और राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की राजनीति को लेके कुछ बड़े खुलासे करने जा रहे हैं, तो जरूर सुनिएगा ये पूरा इंटरव्यू, आपको कई नई बातें समझ आएंगी। स्वागत है विनोद जी आपका, और हम बहुत दिनों से चाह रहे थे कि आपसे बातचीत की जाए, लेकिन देश के जितने बड़े बड़े टीवी चैनल हैं वो केवल आप ही को दिखा रहे थे, तो मुझे लगता था कि आप टीवी चैनलों से छुट्टी पाएं तो हम लोगों के पास में भी आएं। तो हम आजकल कई कई घंटों तक आपको तमाम देश के अलग अलग टीवी चैनलों में देखते रह रहे थे, और आपके पॉलिटिकल कमेंट दर्शक बहुत चाहते थे कि आपसे बात की जाए देश की राजनीति की। इस समय अचानक पिछले 2-3 महीनों से राजनीति में बहुत तेजी आई है, और खास तौर से राहुल गांधी को लेकर तेजी आई है। राहुल गांधी कर भी ऐसा रहे हैं, जब से उनकी सदस्यता बहाल हुई है तो उसके बाद एक के बाद एक स्टेप, अब वो लद्दाख चले गए, उसके पहले कहीं ऐसे अचानक वो निकल जा रहे हैं। क्या ये आप मान रहे हैं पिछले एक साल में एक नया राहुल गांधी कांग्रेस को मिल गया है, एक नया नेता मिल गया है जिसकी वजह से कांग्रेस में एनर्जी आ गई है? नहीं, देखिए, भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी का कायांतरण कर दिया है। भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने पूरी की जिस तरह से, और जिस पूरे उसके साथ शिद्दत के साथ वो पैदल चले, आंधी बारिश तूफान सर्दी गर्मी सब में उन्होंने, हर मौसम में उन्होंने जो है उस यात्रा को किया, और एक टी शर्ट पहन करके वो ठंड में चले, तो निश्चित रूप से लोगों पर इसका असर पड़ा और उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा। खुद कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले मेरा कुछ और था और मैं कुछ और हूँ, मैंने लोगों से बहुत सीखा, मुझे तमाम तरह की, उनका कहना है लोगों से मिलने में शक्तियाँ प्राप्त हुई, जैसा कि उन्होंने पार्लियामेंट में भी कहा, तो और उनके स्वभाव में व्यवहार में भी बदलाव आया है, जिस तरह लोगों से मिल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो लगातार कभी मोटर मैकेनिकों के बीच में जा रहे हैं, तो कभी ट्रैक्टर चला रहे हैं, तो कभी ट्रक चला रहे हैं, कभी किसी हरियाणा के किसी खेत में जाके धान की रोपाई कर रहे हैं, कभी उन लोगों को घर बुला के खाना खिला रहे हैं, कभी एक सब्जी वाले सज्जन जो गरीबी कारण, कम पैसों कारण, महंगाई में सब्जी नहीं खरीद पा रहे थे, उनके आंसू उन्होंने देखे सोशल मीडिया पर, तो उनको लेके अपने घर बुलाया, तो ये सब वो कर रहे हैं। तो एक तरह से अलग तरह की एक राजनीतिक शैली उन्होंने विकसित की है, और शायद ही वो ये शैली जो है कहीं ना कहीं लुप्त हो गई थी देश से। एक समय इस तरह के लोग करते थे, तमाम बड़े नेता जो थे पुराने, अगर आप गांधी जी से लेकर के और डॉक्टर लोहिया और तमाम सारे लोगों की अगर राजनीति देखे, तो लोगों से सीधा जुड़ने की एक शैली थी। तो देर सवेर जब से ये पॉलिटिक्स में कॉरपोरेटाइजेशन हुआ, तब से वो शैली धीरे धीरे लुप्त होती चली गई, और नेता लोग जो है इवेंट मैनेजमेंट और उनकी जो टीमें हैं उन पर भरोसा करने लगे, तो राहुल गांधी थोड़ा उसको
उस शैली को दोबारा उन्होंने अपनाया है और ये एक उनकी मतलब एक नया रूप है, एक नई सफलता। इसीलिए आप देखिए जो सोशल मीडिया पर तमाम तरह के मीम्स बनते थे उनको लेकर के, अब वो तो कम हो गए, या कम नहीं भी हुए तो उनके टेकर्स बहुत कम हो गए। जैसे पहले लोग तुरंत फॉरवर्ड करते थे, तुरंत जो है उनको उसमें इंजॉय करते थे, वो सब हमें नहीं लगता क्योंकि पहले मेरे पास ही बहुत सारे आते थे, अब उनकी संख्या बिल्कुल नगण्य हो गई आने वालों की, यानी फॉरवर्ड कम हो गया तो कम हो गया। तो इस तरह से बदलाव तो आया है और सोशल मीडिया पर भी उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। लेकिन ये विनोद जी, ये जो लोकप्रियता बढ़ी है, वो लोकप्रियता 2024 तक कांग्रेस किस रूप में भुना पाएगी, राहुल गांधी का किस हद तक यूज कर पाएगी, और क्या वो वाकई में कामयाब यूज हो पाएगा आपको लगता है? देखिए कांग्रेस पार्टी कैसे करेगी ये तो कांग्रेस पार्टी अपना तय करेगी, रणनीति वो बनाएगी। मैं तो एक विश्लेषक के रूप में, एक राजनीतिक पत्रकार के रूप में देखता हूँ कि राहुल गांधी, अब वो राहुल गांधी जो भारत यात्रा, जोड़ो यात्रा से पहले लाइबिलिटी लगते थे, वो अब एसेट बन गए हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, और कांग्रेस के वर्कर भी इस बात को मानने लगे। बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के वर्कर और नेता जो पहले राहुल गांधी को लेकर तमाम तरह की टिप्पणियां किया करते थे निजी रूप से ऑफ द रिकॉर्ड, अब वो खुद इस बात को मानते हैं कि राहुल गांधी में जो बदलाव आया है उसका बड़ा फायदा मिल रहा है। अब देखिए जिस तरह से कर्नाटक के चुनाव में राहुल गांधी ने प्रचार किया उसका फायदा मिला, गुजरात वो नहीं गए, शिमला भी शायद वो गए होंगे, एक आध बार गए होंगे, लेकिन चुनाव पार्टी वहाँ जीती। खाली एक व्यक्ति के असर से पार्टियां नहीं जीतती हैं, व्यक्ति या नेता का असर भी होता है, लेकिन साथ साथ पार्टियों का संगठन, पार्टियों की रणनीति, कार्यकर्ताओं का उत्साह, ये सारी चीज़ें होती हैं जब किसी पार्टी को सफलता दिलाती हैं। भारतीय जनता पार्टी का तंत्र, भारतीय जनता पार्टी का सारा जो ताकत थी उसको सफलता तब मिली जब मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी और मोदी जी एक उभरते हुए नेता के रूप में सबके सामने आए और उसने एड ऑन किया। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर होती हैं, पार्टी का संगठन का ढांचा, उसकी रीति नीति रणनीति। तो अब राहुल गांधी का जिस तरह से कार्यांतरण हुआ है, जिस तरह से लोकप्रियता में इजाफा हुआ है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी हमसे आपसे ज़्यादा समझ रही होगी इस बात को, और शायद इसीलिए राहुल गांधी अभी भी कांग्रेस का फेस है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन फेस राहुल गांधी ही है। तो आने वाले चुनाव में 2024 की आप बात कर रहे हैं, उसके पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के जो विधानसभा चुनाव हैं उनमें भी टेस्ट होना है इस बात का कि पार्टी राहुल गांधी का कैसे किस तरह से रणनीति इस्तेमाल करती है। अब ये तो प्रचार, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण भी शुरू होना है, जैसी चर्चा चल रही है शायद अक्टूबर से वो शुरू करेंगे, 2 अक्टूबर से, अभी मतलब आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो उस दौरान चुनाव भी तब तक विधानसभाओं के वहाँ आ जाएंगे नवंबर दिसंबर में, तो यात्रा के बीच में ही शायद चुनाव भी हों, तो कैसे चुनाव और यात्रा का एक संतुलन होगा, ये सब चीज़ें तय करनी होंगी उन लोगों को। लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि राहुल गांधी की जो बदली हुई छवि है उसका वो लाभ, राजनीतिक लाभ उठाए इन विधानसभा चुनावों में, और अगर इसमें सफलता मिलती है तो आगे फिर लोकसभा चुनाव में भी उठाएगी। विनोद जी, लगभग 150 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहाँ पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में आमने सामने मुकाबला होता है, वहां पे अगर जो मुकाबला होगा तो राहुल बनाम मोदी ये कांग्रेस को ज्यादा सूट करेगा या खड़गे बनाम मोदी ये ज्यादा सूट करेगा, कौन बड़ा नेता ऐसा है इन दोनों में जो मोदी का मुकाबला करने में जिसका चेहरा सामने आए तो कांग्रेस को ज्यादा फायदा हो सकता है? देखिए संजय जी, कांग्रेस तो नहीं चाहेगी कि मोदी बनाम किसी लीडर का चुनाव हो, न वो राहुल न खड़गे, क्योंकि इंडिया अलायंस जो है वो बना ही इस शर्त पर है कि पार्टी किसी को प्रोजेक्ट नहीं करेगी, और इंडिया अलायंस किसी को प्रोजेक्ट नहीं करेगा चुनाव में, प्रधानमंत्री का फैसला चुनाव के बाद होगा। ये चीज़ें पहले ही जो पटना की बैठक थी उसमें ही तय हो गई थी, बेंगलुरु की बैठक में उस पर और ठप्पा लगा, और अब मुंबई की बैठक हो रही है उसमें चीज़ें और स्पष्ट होंगी। तो ये तो एक सहमति बनी हुई है कि ना कांग्रेस किसी को प्रोजेक्ट करेगी ना इंडिया अलायंस किसी को प्रोजेक्ट करेगा। बीजेपी की तरफ से मोदी जी होंगे, लेकिन इनकी तरफ से इंडिया अलायंस कहता है कि मोदी बनाम मुद्दा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि प्रोजेक्ट न करके भी कुछ चीज़ें अनरिटन होती हैं, अलिखित होती हैं। जैसे मान लीजिए खड़गे जी को इंडिया गठबंधन अपना अध्यक्ष बना देता है और नीतीश कुमार को संयोजक बना देता है और राहुल गांधी उसके एक नेता के रूप में कैंपेन करेंगे, तो तीन नेता तो कम से कम ऐसे होंगे जो पब्लिक के बीच में मैसेज जाएगा कि इनमें से कोई भी आगे आके कमान संभाल सकता है चुनाव के बाद। तो इसलिए
हालांकि ममता जी भी हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं, उद्धव ठाकरे भी हैं, स्टालिन भी हैं, और भी बड़े नेता हैं, तो ये एक अघोषित किस्म का मैसेज होगा कि भाई अगर सरकार बनी तो शायद देश को पहला दलित प्रधानमंत्री मिल जाए, वो राहुल गांधी इस बात के लिए बड़े तैयार होंगे। सरकार जीती तो हो सकता है मोदी जी के बने ओबीसी कार्ड के मुकाबले नीतीश कुमार एक ओबीसी कार्ड है, हैं, तो ये भी एक उसका वो है। और राहुल गांधी एक जिस तरह की गरीब समर्थक और गरीबों के बीच अपनी एक छवि और लोकप्रियता बना रहे हैं, वो भी एक है। लेकिन मेरी जहां तक समझ है राहुल गांधी को लेकर के जो मैंने उनको ऑब्जर्व किया है, वो शायद जब तक पूर्ण बहुमत कांग्रेस को नहीं मिलेगा, जो कि अभी 2024 में मिलने वाला नहीं है, स्थितियां हैं, वो शायद प्रधानमंत्री खुद नहीं बनेंगे। वो अगर ऐसी नौबत आई कि कांग्रेस नेतृत्व तो करे, अगर कोई स्थिति बनती है कि बीजेपी की जगह गैर बीजेपी सरकार बनती है और इंडिया गठबंधन को बनाने का मौका मिलता है, तो उसमें फिर फैसला होगा कौन बनेगा, तो उसमें कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी खड़गे जी का ही नाम सुझा सकते हैं, क्योंकि खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। और राहुल गांधी चूंकि आप देखिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी की एक खास बात क्या है, वो सोशल पॉलिटिक्स जो है उसको बहुत आगे रखते हैं। जिस तरह सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह के रूप में देश को एक पहला अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री दिया, अल्पसंख्यक बिरादरी से, सिखों माइनॉरिटी से, तो उसी तरह राहुल गांधी ये भी कर सकते हैं कि पहले दलित प्रधानमंत्री का एक रास्ता तैयार कर सकते हैं, जो देश के लिए भी बहुत वो होगा, महत्वपूर्ण होगा। तो मुझे लगता है कि मोदी बनाम राहुल या मोदी बनाम खड़गे की बजाय जो चुनाव जो लड़ेगी इंडिया, वो मोदी बनाम मुद्दे ही होंगे, ऐसा मैं देख रहा हूँ, ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि यही उनके हक में है। बीजेपी चाहती है इसको मोदी बनाम राहुल बनाना, उनको लगता है जब मोदी बनाम राहुल होगा तो मोदी जी की जो लोकप्रियता है राहुल गांधी से काफी ज्यादा है, उसका फायदा सीधा बीजेपी को मिलेगा। ये बीजेपी की रणनीति है। कांग्रेस या इंडिया गठबंधन इस बीजेपी की इस चाल में फंसने वाला नहीं है, वो अपने तरीके से स्पष्ट है इस मामले में कि वो चुनाव सामूहिकता के आधार पर ही लड़ेंगे। तो विनोद जी ये राम जन्मभूमि का जो मुद्दा था, राम मंदिर तैयार हो जाएगा जनवरी तक, तो आपको क्या लगता है जिस हिसाब से हरियाणा में कुछ प्रयोगशालाएं खोली गई, कर्नाटक में बजरंग बली का नाम लिया गया जो फेवरेट है किसी पॉलिटिकल पार्टी का कि उसको धर्म के आधार पर राजनीति करनी है, तो जब धर्म का उफान होगा तो उसमें खड़गे जी का दलित कार्ड, नीतीश का पिछड़ा कार्ड, मतलब मेरे कहने का मतलब है मंडल बनाम कमंडल की अगर राजनीति इस दिशा में देश जा रहा है तो कौन सी राजनीति 2024 में भारी पड़ सकती है, मंडल की या फिर कमंडल? देखिए मंडल और कमंडल की राजनीति का दौर 1990 से शुरू हो गया था, जब बीपी सिंह ने मंडल आयोग लागू किया और अडवाणी जी रथ लेकर के निकले, और उसी दौर में पिछले 20 साल तक आप मान के चलिए 20 या 30 साल हो गए तक देश की राजनीति चलती रही है। और मंडलवादी पार्टियां जो अपनी कहती हैं, मुलायम सिंह यादव जी की समाजवादी पार्टी, लालू प्रसाद जी की राष्ट्रीय जनता दल, नीतीश कुमार जी का जनता दल यू, बहुजन समाज पार्टी मायावती जी की, ये सब मंडलवादी, ये सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं। लेकिन एक समय के बाद क्या होता है संजय जी, कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो मंदिर का मुद्दा हो चाहे मंडल का मुद्दा हो, एक उसकी आयु होती है, ऑप्टिमम वो होता है, और वो ऑप्टिमम लेवल दोनों मुद्दे लगभग पहले चरण का पा चुके हैं। देखिए 2014 में आप ध्यान दीजिए, 2014 में नरेंद्र मोदी जी जब जीते 283 सीटें लेकर के आए तो मंदिर का मुद्दा कहाँ था? मंदिर का मुद्दा भाजपा के घोषणा पत्र में अंदर था, छठे सातवें पन्ने में। मंदिर को आगे करके भारतीय जनता पार्टी ने 1991 का लोकसभा चुनाव लड़ा, 1996 का लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों में भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। भाजपा को ज्यादा सीटें आई जब भाजपा ने अलायंस किया, तमाम पार्टियों से एनडीए बनाया और अटल बिहारी वाजपेयी का चेहरा था, उदारवादी चेहरा, उसके बाद भी बहुमत नहीं मिला। 188 सीटें, 146 सीटें मिली थी दोनों बार, 98 और 99 में। लेकिन 2014 में भारतीय जनता पार्टी को जब 283 सीटें अकेले मिलती है तो मंदिर नहीं था वहां, उसमें क्या था? सुशासन, गवर्नेंस, डेवलपमेंट, कास्ट इक्वेशंस, और साथ साथ मंदिर का हिंदुत्व भी था। मैं इसीलिए कहता हूं कि 2014 में जो भाजपा की सरकार बनी उसमें जाति समीकरणों की ईंटें, हिंदुत्व का सीमेंट, गवर्नेंस का पलस्तर और डेवलपमेंट का पेंट
ये चार चीजें थी, चार का पैकेज था। तो मंदिर का जितना लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलना था वो 2014 तक आते आते सब सीमेंटेड हो गया। 2019 में मंदिर नहीं था, मंदिर तो बनवाया नहीं था, 2019 तक तो मंदिर बना नहीं, तो लोगों को नाराज होना चाहिए था भाजपा से कि पूर्ण बहुमत की सरकार के बाद ही मंदिर नहीं बनाया। लेकिन पुलवामा आ गया तो राम मंदिर की बजाय राष्ट्र का मंदिर महत्वपूर्ण हो गया, तो राष्ट्र मंदिर पे चुनाव हो गया, राष्ट्र के राष्ट्रीय अखंडता सुरक्षा एकता पर मोदी जी ने सबसे जो उसको उन्होंने एक तरह से एक मुद्दा बनाया, नारा बनाया पुलवामा और बालाकोट के बाद, वहां भी मंदिर नहीं था। अब मंदिर का उद्घाटन होगा, बड़ा आयोजन होगा निश्चित रूप से, बहुत बड़ा आयोजन करेगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगाएगी, सारा इवेंट जिस तरह से होता किया जाएगा उसका एक लाभ मिलेगा, मैं नहीं कह रहा लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन जो मंदिर के नाम पर जो वोट देने वाला वोटर है भारतीय जनता पार्टी को वो ऑलरेडी उसके साथ है, वो थोड़ा और सीमेंटेड हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा वोटर है, जो बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, अमीर गरीबी की खाही, ओपीएस, इन सारे मुद्दों को लेकर के जो इस वक्त थोड़ा जिसके अंदर एक वो है, उसमें कितना मंदिर के नाम पर वापस चला जाएगा बीजेपी के साथ, ये एक प्रश्न है। लेकिन जब अस्मिता की लड़ाई होगी, जब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होगी और दलित समाज को लगेगा कि हमारा भी पहला प्रधानमंत्री बन सकता है भले घोषित ना हो, तो क्या उनके अंदर करंट नहीं आएगा? जिस तरह से मोदी जी का ओबीसी होना बीजेपी अपने लिए राजनीतिक रूप से भुनाती है, तो खड़गे जी का दलित होना भी तो इंडिया गठबंधन के लिए एक अतिरिक्त बोनस वाला पॉइंट है। तो मुझे लगता है कि मंडल बनाम कमंडल की जब लड़ाई होगी तो नए रूप में होगी। और आपने जैसे हरियाणा का एग्जांपल दिया, तो हरियाणा में कहाँ चला, नुहू में हुआ दंगा लेकिन शांत हो गया, वहाँ खापों ने कह दिया, किसानों की खाप पंचायतों ने, चाहे वो जाट समाज के लोग हों, चाहे गुजर समाज के लोग हों या दूसरे हों, उन्होंने कहा हमें इस चक्कर झगड़ नहीं पड़ना है, ये सब हम तो सदियों से एक साथ रहे हैं, हमारे भाई हैं, और उन्होंने एकदम अपने को विड्रॉ कर लिया, तो इसीलिए जो पंचायतें हुई उनका कोई असर नहीं पड़ा। तो लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदुत्व कोई जो है कमजोर है, हिंदुत्व की ताकत है, लेकिन सिर्फ हिंदुत्व चुनाव नहीं जीता सकता, सिर्फ जातीयता चुनाव नहीं जीता सकती, ये सब चीजें एड ऑन होती हैं, बहुत सारे दूसरे मुद्दे होते हैं जो पार्टियों को चुनाव जिताते हैं साथ मिल करके। इसलिए मैंने वो चार चीजें बताई आपको, हिंदुत्व निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा मुद्दा रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ उसको उन सारे सवालों का भी सामना करना पड़ेगा जो लोगों के बीच में इस समय घूम रहे हैं, तो उनको कैसे काउंटर करती है वो महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ठीक है विनोद जी, एक चीज और पूछना चाहूंगा, चूंकि आप इतने बड़े समूह के संपादक रहे, उत्तर प्रदेश की राजनीति को तो आपने लेंस मतलब हथेली की तरह पढ़ा है, एक एक जिला आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में कब कहां क्या हो सकता है, देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा सीटें देने वाला राज्य है। अगर खड़गे जी, चर्चा चल रही कांग्रेस के अंदर चलना शुरू हो गई कि सोनिया जी की आयु बहुत हो गई है, हो सकता है वो रायबरेली से ना लड़े, तो खड़गे जी दो सीटों से लड़ जाए कर्नाटक और रायबरेली, तो क्या उत्तर प्रदेश का दलित मायावती बनाम खड़गे में विभाजित हो सकता है, फिर बड़ा धड़ा दलितों का किधर जा सकता है अगर ऐसा होता है तो? देखिए ये चर्चा तो चल रही है, अब खड़गे जी किस सीट से लड़ेंगे, कौन सी सीट सुरक्षित होगी जिससे वो लड़ेंगे, और अगर खड़गे जी दोनों सीटों से लड़ते हैं, कर्नाटक की किसी सीट से और उत्तर प्रदेश की किसी सीट से, चाहे रायबरेली हो, चाहे इटावा हो या बुंदेलखंड की कोई सीट हो, इटावा सीट में इसलिए कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी का भी असर है, और दूसरा काशीराम जी को बाई इलेक्शन में मुलायम सिंह जी ने जितवाया था वहां से, तो और वहां भी काफी उसका एक महत्व है, तो निश्चित रूप से एक संदेश तो जाएगा, ये वैसा ही संदेश जाएगा जैसे मोदी जी बड़ौदा से और बनारस से लड़े थे, तो उसका एक संदेश गया था और पूरा उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक लोग जो है मोदी जी के समर्थन में खड़े हुए थे, तो भाई प्रधानमंत्री घोषित थे वो बीजेपी की तरफ से, हालांकि खड़गे जी घोषित नहीं होंगे, लेकिन अगर दो जगह चुनाव लड़ेंगे तो अपने आप ये एक संदेश चला जाएगा कि खड़गे जी को कांग्रेस आगे कर रही है, और उसका असर तो पड़ेगा, मायावती जी को भी मजबूर होकर के कुछ ना कुछ फैसला लेना पड़ेगा इस मामले में, क्योंकि ये वो खड़गे जी का विरोध करने का जोखिम मोल नहीं ले सकती है, और इसको लेकर के फिर दलितों के अंदर बहुत, अगर उन्होंने विरोध किया ये गलती की तो काफी नुकसान उनको उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ये पहली बार जो है जगजीवन राम जी के बाद राष्ट्रीय स्तर पर किसी दलित नेता को कांग्रेस ने आगे किया है, हालांकि जगजीवन राम जी के बाद में कांग्रेस छोड़ गए थे, जनता पार्टी भी चले गए थे, जनता पार्टी के साथ चले गए थे, CFD बना के बाद में फिर लौटे, एक अलग
लेकिन इस बार तो कांग्रेस पार्टी की का जो प्रथम परिवार है वो तो खड़गे जी को बिल्कुल ससम्मान आगे कर रहा है हर जगह उनको। तो हमें लगता है कि अगर खड़गे जी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े और उत्तर प्रदेश में उनके दौरे हुए तो उसका असर तो पड़ सकता है, ये भी एक बड़ी चीज़। एक चीज़ मैं और आपसे संजय जी कहना चाहता हूँ, थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स है, जो आपने पूछा नहीं लेकिन मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। अभी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष हैं अजय राय जी, उन्होंने कल कहा कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे चुनाव और प्रियंका जी चाहे तो बनारस से लड़ सकती हैं, हम लोग पूरा जी जान लगा देंगे। बाद में अमेठी वाले को भी उन्होंने थोड़ा सा डाइल्यूट किया उस बयान को, क्योंकि ये फैसला तो राहुल जी को करना है, इसकी घोषणा अजय राय नहीं करेंगे, इसकी घोषणा तो खड़गे जी करेंगे या कांग्रेस पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप में से कोई करेगा, तो शायद अजय राय जी ने जल्दी कर दी। मेरा इसमें एक और धारणा है, अगर कांग्रेस पार्टी थोड़ा जोखिम ले, हिम्मत करे जिसको कहते हैं, तो खड़गे जी को लड़वाए उत्तर प्रदेश से, नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से लड़े किसी सीट से, प्रियंका जी किसी सीट से लड़े और राहुल गांधी दो जगह से लड़े चुनाव, वायनाड से तो लड़े ही लड़े और अमेठी की बजाय अगर कहीं वो हिम्मत करके बनारस से लड़ जाए तो एक बड़ा संदेश जाएगा बनारस से। देखिए मोदी जी को हराना नामुमकिन है आज की तारीख में, बिल्कुल इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए, मुझे भी कोई शक नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो राहुल जी वहां जाएंगे तो हरा ही देंगे उनको, राहुल जी के सामने कोई क्या कहते हैं खोने का कुछ नहीं है, क्योंकि चूंकि अमेठी का चुनाव अपनी सीट से स्मृति ईरानी से हार चुके हैं, स्मृति ईरानी और मोदी जी की तुलना में जमीन आसमान का अंतर है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, लगातार दो बार प्रधानमंत्री हैं और सबसे लोकप्रिय नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, आज की तारीख में सबसे बड़े नेता हैं। उनके सामने अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं और तो पहला तो संदेश ये जाएगा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कि भाई हमारे नेता, हमारा नेता सीधे टक्कर ले रहा है। हाँ। और एक अपने आप कार्यकर्ताओं में जोश आता है, कह रहे बिल्कुल। मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे राजनारायण जी जब 1971 में इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े तो जोश आया कार्यकर्ताओं में, वो ठीक है चुनाव हार गए, बाद में मुकदमा चला इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से इंदिरा गांधी को अयोग्य ठहराया गया, लेकिन जोश आया, वो जोश इतना आया कि जेपी आंदोलन तक उसी चुनाव से निकला। और फिर 1977 में जब राजनारायण जी दोबारा वहां से लड़े तो ऐसा जोश आया कि रायबरेली भी कांग्रेस हार गई और अमेठी भी हार गई, संजय जी भी हार गए चुनाव। तो जोश कार्यकर्ताओं में आता है, मैं नहीं कह रहा मोदी जी को ये, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ मोदी जी तभी जीतेंगे वहां से चुनाव, लेकिन अगर राहुल गांधी को वोट अच्छे मिल गए और वायनाड से तो जीत ही जाएंगे, वहां तो कोई शक नहीं किसी तरह का, तो सांसद तो बने ही रहेंगे, लेकिन यहाँ कार्यकर्ताओं में ताकत बढ़ जाएगी बिल्कुल, और वो फिर उसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिलेगा और भाजपा के लिए तब थोड़ा सा कड़ी चुनौती होगी, जो अभी उत्तर प्रदेश में भाजपा को एक केक वॉक वाली स्थिति है आज की तारीख में। आज की तारीख में उसकी 64 सीटें हैं, वो दावा कर रहे हैं हम 2014 से भी बढ़िया प्रदर्शन करेंगे, उनका कहना है कि हम 80-80 जीतेंगे और 70-71-72 तो जीत ही लेंगे गठबंधन। तो लेकिन अगर ये स्थिति परिस्थिति बन जाती है कि खड़गे जी लड़ें, नीतीश कुमार उधर लड़ें, इधर जो है राहुल गांधी यहाँ से लड़ जाए, प्रियंका जी कहीं से लड़ जाए, तो निश्चित रूप से फिर उत्तर प्रदेश के माहौल में एक अलग तब्दीली आएगी और तब भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़ी चुनौती होगी उत्तर प्रदेश में, जो अभी उसके लिए बिल्कुल केक वॉक है। ये आउट ऑफ द बॉक्स मेरा ऐसे थिंकिंग मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा कांग्रेस पार्टी कोई मेरी सलाह मान लेगी, मैं कोई ऐसा ना मुझे कोई भ्रम है ना मुझे कोई गलतफहमी है कि मैं आपसे चैनल पे जो बोल रहा हूँ तो कोई मान ले, मैं तो मेरी अपनी एक सलाह है, एक राय है विश्लेषक रूप में। और वैसे भी आपके ही चैनल पर एक ज्योतिषी जी आचार्य राजीव नारायण शर्मा जी की भविष्यवाणी है कि राहुल गांधी की कुंडली बड़ी मजबूत है, वो कहीं से भी चुनाव लड़ जाए उनका तो यही कहना है। तो विनोद जी, राजीव जी ने जो जोशी जी है उन्होंने तब कुछ जिक्र नहीं था, तब भी कह दिया था अमेठी और बनारस से गांधी परवारी, तो अजय राय के बयान के बाद शुरुआत हुई चर्चा की बात हो गई। अब वो तो उनकी ज्योतिषीय गणना है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन विनोद जी जब पार्लियामेंट में स्मृति ईरानी ने अभी मणिपुर वाले अविश्वास प्रस्ताव पे जिक्र किया तो अगले दिन अमेठी गया और 3 दिन में अमेठी में रहा। मैं ये चेक करने वो रिपोर्ट देखी थी मैंने आपकी, पूरा वीडियो देखा मैंने आपका, गजब था अमेठी में। मतलब मैं कल्पना नहीं कर सकता था अमेठी में राहुल गांधी की इतनी दीवानगी से याद भी हो रही है स्मृति ईरानी को। मतलब कहना नहीं चाहिए लेकिन आसान नहीं रहेगा चुनाव लड़ना जीतना। उसका एक बड़ा कारण ये है संजय जी कि अमेठी के लोगों को संजय गांधी के जमाने से ही एक प्रिविलेज हासिल हुआ। जब संजय जी 77 में हार गए लेकिन 80 में लड़े चुनाव और जीते, सरकार बन गई इंदिरा जी की, संजय जी बहुत बड़े ताकतवर थे,
राजनीतिक रूप से, तो एक विशेषाधिकार अमेठी के लोगों को मिला। वो विशेषाधिकार उनका लगातार चलता रहा, यहाँ तक कि कैप्टन सतीश शर्मा भी जब वहां से चुने गए तब भी वो विशेषाधिकार था, जो कैप्टन साहब नरसिम्हा राव सरकार में मंत्री थे, तो भी अमेठी के लोग आकर के पूरे ठसक के साथ दिल्ली आते थे, और कुछ भी काम हो, बच्चे का एडमिशन हो सेंट्रल स्कूल में, अस्पताल में किसी को दिखाना हो एम्स से लेके किसी जगह, किसी की नौकरी हो, किसी का तबादला हो, किसी को पुलिस परेशान कर रही है, वो मसला, कोई भी काम हो, अमेठी के लोग बड़ी ठसक के साथ आते थे। और अभी तक 2019 तक की बात कर रहा हूँ, जब तक राहुल गांधी वहां से एमपी रहे 2014 के बाद तक, कि किशोरीलाल शर्मा जी जो उनका काम देखते थे, उनके जहाँ ऑफिस था उनका 6 ताल कटोरा मार्ग, वहां आप देखिए कि अमेठी के लोग भरे रहते थे, रायबरेली से ज्यादा अमेठी के लोग, रायबरेली वाले भी होते थे अमेठी के लोग, और वो एक चिट्ठी रिट चलती थी उनकी, तो वो इनका जो रुतबा था अमेठी के लोगों का कि हम अमेठी से आए हैं, वो अमेठी जहाँ से राजीव गांधी, जहाँ से सोनिया गांधी, संजय गांधी, जहाँ से राहुल गांधी, वो अमेठी, हम उस अमेठी से आए। वो एक किस्सा किसी ने बताया मुझे एक बार, किसी का इंटरव्यू था कि वो रेलवे का टिकट लेने गए वहाँ पर बम्बई, मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर, तो सीट नहीं थी, बर्थ नहीं थी, तो जब भरा फार्म में अमेठी, तो जो टिकट काउंटर पे जो सज्जन बैठे थे, उन्होंने कहा अरे आप अमेठी से, उनका हाँ, अरे बोले फिर लाइए मैं आपके लिए कुछ, वो अमेठी के नाम से उन्होंने उनको बर्थ अलॉट कर दी। तो इस तरह के जो प्रिविलेजेस मिलते थे लोगों को स्मृति जी के बाद बनने के बाद वो खत्म हो गए, क्योंकि स्मृति जी अच्छी नेता हैं, ठीक है, बहुत वो हैं, मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं भाजपा में, लेकिन जो हैसियत राहुल गांधी की कांग्रेस में, जो हैसियत राजीव गांधी की थी, जो सोनिया जी की, वो तो स्मृति जी की बीजेपी में नहीं है ना। मैं कहूँगा जैसे बनारस के लोग हैं आज भाई मोदी जी को चुन के भेजते हैं, तो उनके अंदर एक विशेष भाव है कि हम प्रधानमंत्री के क्षेत्र के हैं, तो वैसा ही एक विशेष भाव अमेठी के लोगों में था। अब वो अमेठी के लोगों में वो महत्व नहीं मिल रहा, तो निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं उनको एहसास हो रहा है कि हमने क्या कर लिया, तो ये इसलिए अमेठी के लोगों का जो आप कह रहे हैं, और उस परिवार के प्रति उनका तो पुराना लगाव रहा है अमेठी के लोग। विनोद जी आखिरी सवाल, 2024 में मुझे पता है कि आपका जवाब ये होगा कि मैं जोशी नहीं हूं, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि राजनीति की जितनी नब्ज आप पहचानते हो उतना देश का शायद ही कोई पत्रकार पहचानता हो। अगर चुनाव एक महीने बाद हो जाए, मैं अब 7-8 महीने की बात नहीं कह रहा, चुनाव एक महीने बाद हो जाए, तो 2024 में क्या किसी को पूरी सत्ता आते हुए एक पार्टी को आप देख रहे हैं? एक महीने का मतलब तो फिर 2023 में ही हो जाएंगे ना, फिर अगर मान लीजिए, कल्पना करता हूँ मैं कि मतलब एक महीने बाद चुनाव हो, तो क्या किसी को आपके हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पार्टी को सत्ता मिल सकती है? नहीं देखिए, अभी आज की तारीख में तो अभी भी बीजेपी का पलड़ा भारी है, मैं आपको इस बात को बताऊं, जो मेरा अपना जो है मूल्यांकन है, आकलन है, भविष्यवाणी में नहीं करता, अभी भी मैं ये कहूँ कि बीजेपी एकदम से चली गई और कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन एकदम 272 सीटें लेके सरकार बना रहा है, अभी तो आज की तारीख में मुझे ऐसा नहीं लगता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चुनाव अभी जो समय पर अगर होते हैं अप्रैल मई में, इसकी संभावना है, तो तब तक क्या होगा, तब तक बहुत, क्योंकि अभी इंडिया गठबंधन बना है, अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। हालांकि अभी एक सर्वे आया एक चैनल का, एक क्रेडिबल चैनल का सर्वे आया, जिसमें सीटें तो उन्होंने एनडीए को ज़्यादा दिखाई, 318 के आसपास, बीजेपी को भी दिखाई 290 के आसपास सीटें, लेकिन जो वोट शेयर है वो आप देखिए 42% एनडीए का है और 40.9% जो है वो इंडिया गठबंधन का है। तो ये अपने आप में एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है, सीटें भले इसमें ज़्यादा है लेकिन वोट शेयर जो है, जो उसका सर्वे है, तो ऐसे में ये जो है, ये टाइम्स नाउ ETG उसका सर्वे जो है आया है, अब वोट शेयर अगर ऐसा है, अच्छा ये तब का सर्वे है जब इंडिया गठबंधन बना ही बना था, अभी इंडिया गठबंधन में सीटों का एडजस्टमेंट होना है, तालमेल होना है, संयोजक कौन होगा, अध्यक्ष कौन होगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, विजन डॉक्यूमेंट क्या होगा, कहाँ, तो ये सारी चीज़ें अभी उनको, उनकी रैलियाँ होनी है, उनकी मीटिंगें होनी है, इधर से भी होंगी, बीजेपी की भी होंगी, तो तब बहुत गंगा जमुना का पानी जो है बहेगा और सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा आलोड़न होगा, तो उसके बाद क्या नतीजे निकलते हैं वो दिलचस्प होंगे, देखने वाले होंगे, लेकिन हाँ चुनाव मजेदार होगा, मतलब अभी तक की जो स्थिति है, एक तरफा चुनाव नहीं होगा, लेकिन आज की तारीख में जो आप कह रहे हैं अभी तक जो है एनडीए का पलड़ा भारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने व्यस्त समय से हमको समय दिया विनोद जी, और बहुत सारी जानकारी आपसे हमने हासिल की, शुक्रिया, थैंक यू।
तो ये थे विनोद अग्नोत्री जी, और आपने सुना किस तरह बेबाक तरीके से इन्होंने विशेषण किया, और बड़ी बात यह कही कि राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ लेना चाहिए। अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा कैसे लगा आपको ये इंटरव्यू, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। शुक्रिया, थैंक यू।